छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कई घोषणाएं की। उन्होंने सरकारी बैंक की स्थापना के साथ दीपका में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाने, हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में उन्नयन और उप तहसील की स्थापना के साथ पूर्व विधायक व क्षेत्र के लोकप्रिय नेता हीरा सिंह मरकाम और शहीद मूलचंद कंवर की प्रतिमा लगाए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने ये बातें कटगोरा विधानसभा में अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कही। और कटगोरा में फार्मेसी महाविद्यालय की घोषणा, हीरा सिंह मरकाम भी आदिवासी समाज पर पूरा जीवन का समर्पित है, आज हमारे बीच नहीं है, विधायक भी है, हालांकि हमारे मन की विचारधारा अलग है, लेकिन समाज पर काम कर रहे, पूरा जीवन भर करे, तो गृह गांव है, पैतृक गांव तिवरता में राजा हीरा सिंह मरकाम की प्रतिमा की स्थापना की जाए। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के जनकपुर वन परिक्षेत्र में आदमखोर तेंदुआ आखिर पिंजरे में कैद हो गया। 3 दिनों तक वन विभाग का अमला और स्थानीय ग्रामीण इस रेस्क्यू में शामिल रहे। इस तेंदुए ने इलाके में खूब तबाही मचा रखी थी। 2 से 3 लोगों की जान जाने के बाद ग्रामीण दहशत में थे। जब यह जानकारी इलाके के विधायक गुलाब कमरो को लगी तो उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया और शासन ने कार्रवाई करते हुए यह रेस्क्यू किया। जिस तरह से यहाँ आज 3 दिन का रेस्क्यू किए थे, निश्चित रूप से उसे सफलता मिला। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा वन विभाग के सारी पूरी टीम को, पुलिस विभाग के सारी टीम को, राजस्व के सारी टीम को और ग्रामीणों का सहयोग से जो हम लोगों ने पिंजरे में आज कैद हुआ है, उसके लिए मैं सबका हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। 5 नवम्बर को गुम इंसान मामला दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आती है और जाँच शुरू करती है। गुमे हुए व्यक्ति का नाम वकील अंसारी है। पुलिस को जांच में पता चला कि वकील अंसारी की मौत हो चुकी है और उसकी मौत में 1 महिला और 2 पुरुष शामिल थे। घटना के अनुसार वकील अंसारी के महिला संतोषी वर्मा के साथ अवैध संबंध बताकर उसे ब्लैकमेल कर लूटने का प्लान था, लेकिन एन वक्त पर लड़ाई होने के कारण घटना को अंजाम दिया गया जिसमें वकील अंसारी की जान चली गई। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य आरोपी हेमंत साहू और उसकी पत्नी संतोषी वर्मा जो कि भिलाई 3 के निवासी हैं और उनका सहयोगी गणेश यादव, इन तीनों ने एक योजना बनाई थी जिसके तहत ये लोग वकील अंसारी को अवैध संबंध के जाल में फंसाकर महिला के द्वारा उससे ब्लैकमेल करके और उगाही की रकम वसूल करना चाहते थे और केशकाल के पास इसकी बॉडी को डंप किया है। केशकाल पुलिस से संपर्क किया गया है जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 11 दिसंबर को वहाँ एक डिकम्पोज्ड मेल की बॉडी रिकवर की गई है जिसका पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतक के शरीर के कपड़े और घड़ी और अन्य वस्तुओं से उसकी पहचान की गई है। अभी 3 आरोपियों को पुलिस रिमांड में लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए टीम केशकाल के लिए रवाना होगी। दंतेवाड़ा में अखिल भारतीय नौजवान महासभा ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। अखिल भारतीय नौजवान महासभा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सोरी ने मांग उठाई कि NMDC और शिक्षा विभाग में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए ताकि पलायन रुक सके। साथ ही ITI में माइनिंग डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ करने की भी मांग की गई। यहाँ पे स्थानीय भर्ती दिया जाए और तीसरी मांग ये है कि जो गीदम पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ माइनिंग और डिप्लोमा जो ट्रेड है वो नहीं है और बच्चों काफ़ी मांग है और पढ़ना चाहते हैं। हमारी जिला प्रशासन और राज्य शासन से मांग है कि जो डिप्लोमा में वहाँ डिप्लोमा और माइनिंग पॉलिटेक्निक खोला जाए। और हमारी चौथी मांग है कि जो मजदूर पलायन कर रहे हैं, जिले से 4 ब्लॉक में पलायन कर रहे हैं, तो उनको रोका जाए। और साथ में ये भी मांगे कि जो मजदूरी जा रहे 200 है उनका, हम जब भी पूछते हैं तो वो कहते हैं कि 200 वो कम है, हमारा गुजारा वगैरह नहीं हो पाता, तो हमारी मांगे कि उनको कम से कम 300 किया जाए। ये होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। जैसी हो आपकी कल्पनाएं वैसा ही हम घर बनाएं। उन्नत तकनीक और बेहतरीन POP कार्य के साथ उच्चतम मटेरियल और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण, वास्तु के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में संतुष्टिपूर्ण मकान। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन।
वाओ, मैंने ऐसे घर की कल्पना की थी। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने छत्तीसगढ़ में अपराध के मामलों में बढ़त को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रशासनिक कसावट नहीं रही, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चले हैं कि खुलेआम गैंगवार हो रहा है और नवयुवकों की जान जा रही है। प्रवक्ता ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। अब तो हद हो गई, एक गैंगवार हो गया, दो गैंगों में खूनी संघर्ष होता है, खुलेआम तलवारें चाकू लहराई जाती है और छत्तीसगढ़ के दो नौजवान 21-22 वर्ष के लड़कों की हत्या कर दी जाती है। क्या हो गया छत्तीसगढ़ को? ये खौफनाक लोग बेखौफ क्यों हो गए? क्या प्रशासनिक अधिकारी अपने दायित्वों को भूल गए? क्या शासन प्रशासन में बैठे लोग आंख मूंद लिए हैं? या शासन प्रशासन के लोगों को आतंक देखने की, आतंक सुनने की और आतंक के साथ चलने की आदत सी हो गई है? छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने हुक्का बार बंद कराने के आदेश तो दे दिए हैं, बावजूद इसके इसका संचालन चोरी छिपे किया जा रहा है। राजधानी के समता कॉलोनी में बाकायदा किराए का मकान लेकर वहां हुक्का पिलाने का अड्डा बना हुआ था, जिस पर पुलिस ने रेड मारकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभिषेक होतवानी, देव धनवानी और उनकी महिला मित्र मिलकर इसका संचालन करते हैं। पुलिस जब वहां पहुंची तो देव धनवानी मिला और 2 लोग हुक्का पीते पकड़ाए। पुलिस ने वहां से 10 हुक्का पॉट और 7 सिगड़ी के साथ फ्लेवर के पैकेटों को बरामद किया है। हालांकि पुलिस को वहां मादक पदार्थ नहीं मिले, वह मकान सील किया जा चुका है, अभी वहां की और जांच होनी बाकी है। अभिषेक होतवानी नाम का लड़का अपने 2 साथियों के साथ में, जिसमें से एक देव धनवानी और एक लड़की थी, ये तीनों मिलके जो हुक्का बार का आप समझ सकते हैं संचालन कर रहे थे। जब हम मौके पर पहुंचे तो हमें वहां पर एक बंदा मिला जो कि संचालित करवा रहा था, जिसका नाम था देव धनवानी, और इसके अलावा जो बाकी जो 2 लोग थे वो लोग मौके पर नहीं थे। साथ ही साथ वहां पे 2 लोग पी रहे थे हुक्का, तो उन्हें हम मतलब उन लोगों को हमने रंगे हाथ पकड़ा। जब हमने जब्ती करी तो हमें जब्ती में अराउंड 10 हुक्का पॉट, 7 सिगड़ी, 11 कॉल बॉक्स और साथ में बहुत सारे फ्लेवर्स जो होते हैं हुक्के के और जो बाकी सामग्री होती है हुक्के, मतलब चारकोल हो गया, कोल जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें मौके पर मिली। उसके बाद में जब हम वहाँ से निकले तो फिर हमने जाके जो बाकी जो 2 आरोपी थे जो हमें नहीं मिल रहे थे, उन्हें भी हमने दबिश देके पकड़ा। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने राज्य में 101 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा। उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य 110 लाख मीट्रिक टन का है, वह भी पूर्ण कर लिया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भी जहां पूरे देश में सारे काम बंद थे, उस दौर में भी छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रतिदिन धान खरीदी का कार्य किया और किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया। कोरोना काल में सारे देश में सारे काम ठप पड़ गए, इंडस्ट्रियल बेल्ट भी ठप पड़ गया था, उत्पादन भी कम प्रभावित हुआ था, लेकिन पूरे देश में एक सबसे बड़ा काम जो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, जहां धान खरीदी एक भी दिन ना तो बंद हुआ, ना किसानों के खातों में पैसा जाना बंद हुआ, हमारी। पाटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर अमलेश्वर सीधे ग्राम पंचायत से नगर पालिका परिषद बना, जिसका 16 जनवरी को मनोनीत अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न किया गया। नगर के विकास के लिए 3,98,00,000 के भूमि पूजन का कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री ने संपन्न किया। मुख्यमंत्री के आगमन पर क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य मोनू साहू सहित नगर पालिका अध्यक्ष सुश्री नंदनी पठारी, उपाध्यक्ष उमेश साहू समेत सभी पार्षदगण और कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर पालिका परिषद अमलेश्वर अब ग्राम पंचायत से नगर पालिका बना है, यहाँ के विकास में किसी भी प्रकार की पैसों की कमी नहीं आएगी, यहाँ 20 वर्षों की कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाएगा।